उत्तराखंड शिक्षा विभाग जल्द कर दिया। प्रदेश में 11,000 के करीब शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। बेसिक शिक्षकों की 3,000 भर्तियां भी इनमें शामिल है। शिक्षा विभाग इसको लेकर तैयारियों को जोर शोरों से पूरा करता हुआ शिक्षा विभाग भर्तियों की रूपरेखा को तैयार कर रहा है कि आखिरकार क्या कुछ पूरा रोड मैप रहेगा। जो भर्तियाँ निकाली जाएंगी शिक्षा विभाग में, जो शिक्षकों के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी, किस किस पोस्ट के लिए, कहां कहां के लिए, इसको लेकर फिलहाल चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी सौगात उन युवाओं के लिए जो रोज़गार की तलाश में हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी लगने की। बेसिक शिक्षकों की 3,000 भर्तियाँ भी इन 11,000 भर्तियों में शामिल की गई है, यानी कि 11,000 में से 3,000 बेसिक शिक्षकों के लिए भर्तियाँ निकाली जाएंगी। और इस तरह से कुल मिलाकर टोटल 11,000 वैकेंसीज टीचर्स के लिए यहाँ उत्तराखंड के अंदर निकलने वाली है। शिक्षा विभाग जल्द ही इन भर्तियों की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। प्रदेश में इस तरह से करीब करीब 11,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रूपरेखा अभी फिलहाल तैयार की जा रही है। देखिए, इसमें बेसिक शिक्षा में जितने भी टीचरों की नियुक्ति होगी वो 100% उत्तराखंड के मूल निवासियों के होंगे। अब अगर हमारा उत्तराखंड का बच्चा अगर महाराष्ट्र में डिग्री करने जाता है, अगर वो गुजरात में जाता है, अगर वो हिमाचल में जाता है और वो डिग्री भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उनको कंसिडर करना जो है ये संवैधानिक व्यवस्था भी है और हमको करना भी चाहिए। देखिए, जो बाहर के लोग यहाँ से डिलीट कर रहे हैं उनको किसी को भी इसमें जो है अनुमन्य नहीं हो कि वो यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। ये 100% जो है ये उत्तराखंड के बच्चे ही इसमें जो है अनुमन्य है। देखिए, उधर दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जलभराव की वजह से 3 छात्रों की मौत की घटना के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इस घटना से सबक लेते हुए शहरी आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी कोचिंग सेंटर्स के मानकों की जाँच के लिए आदेश जारी कर दिए। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। ये समिति सभी जिलों में संचालित कोचिंग सेंटर्स के मानकों की जांच करके 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बात अगली बड़ी खबर की। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय में एआरटीओ विमल पांडे से लोगों के ऊपर बकाया टैक्स के विषय में बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 36 करोड़ का बकाया टैक्स अभी यहां हमारे ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी बकाया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये टैक्स किसी तरह से वसूला जाए। इसके लिए हम लोग फ़ोन भी करते हैं, लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, वसूली पत्र उन्हें जारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम नए वित्तीय साल में 350 से ज़्यादा वसूली पत्र ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, समान उन्हें भेजे जा चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक लगभग 1,000 वाहनों पर टैक्स बकाया है और वसूली की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा की वसूली इसी वित्तीय वर्ष में अब तक की जा चुकी है। बाकी की वसूली की प्रक्रिया भी जारी है। बकाया पर हम अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को लगभग 36 करोड़ रुपया का बकाया टैक्स हमारे ऑफिस में शो कर रहा था। और बकाया पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बकाया वसूल करने के लिए। एनफोर्समेंट भी होते हैं, आज ही विदाउट टैक्स 3 या 4 वैकेंसी छिए गए हैं। उसके अलावा हम लोग नोटिस भी भेजते हैं, फोन भी करवाते हैं और वसूली पत्र भी जारी करते हैं। लगभग अभी इस नए वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 से अधिक वसूली पत्र जारी कर चुके हैं और 1,000 से अधिक हमने नोटिस जारी कर। वही धर्मनगरी पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगी हुई है। घाटों पर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्री नजर आ रही हैं। हेलीकॉप्टर से वहां उत्तराखंड में सरकार की तरफ से शिव भक्तों पर कांवड़ियों पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों के चरण धोकर उनकी चरण वंदना की। देखिए जरा। हरिद्वार में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, जयकारों से गूंजी धर्मनगरी। हाईवे डाक कांवड़ियों से पैक, अब तक 2.51 करोड़ ने भरा जल। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई। इसी के साथ धर्मनगरी में अब डाक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर रोज लाखों की संख्या में कांवड़िये जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब तक कांवड़ मेले में 2.51 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरा है।
2 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर्व के साथ ही यात्रा संपन्न होगी। अभी यात्रा को संपन्न होने में कुछ दिनों का समय बचा है। अभी भी कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। कोई पैदल तो कोई वाहनों में सवार होकर जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से धर्मनगरी दिन रात गूंज रही है। कांवड़ मेला पूरी तरह चरम पर पहुंच गया है और गंगा घाटों से लेकर हाईवे केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने खुद कांवड़ियों के पैर धोए और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कांवड़ियों पर आसमान से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। शिव भक्तों पर जब आसमान से फूल बरस रहे थे, वो नजारा बहुत ही अद्भुत नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश भर से लाखों करोड़ों शिव भक्त पवित्र सावन के महीने में गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले शिव भक्त भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हरिद्वार आते हैं, तो उनका अभिनंदन करना हमारा कर्तव्य बनता है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो गंगा जल लेकर हरिद्वार से सकुशल अपने गंतव्य को रवाना हो, यही हमारी आस्था है और यही शिव भक्ति है। कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कदम उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है। कांवड़ियों ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत सम्मान दिया जा रहा है। कांवड़ियों ने कहा कि इस पुष्प वर्षा ने उनके मन में और अधिक उत्साह भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं कांवड़ मेले में अब डाक कांवड़ भी शुरू हो गई है, तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। डाक कांवड़ियों को मंगलौर बाईपास से निकाल रहे हैं, साथ ही हाईवे पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी हुड़दंगी वहां पर उत्पात ना मचा सके। साथ ही पुलिस प्रशासन से डीजे वाली कांवड़ को पहले नारसन बॉर्डर से पार करवा दिया गया ताकि भागम भाग वाली डाक कांवड़ के दौरान कहीं जाम की स्थिति वहां पर उत्पन्न न होने पाए। पुलिस प्रशासन भी लगातार कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है। एसपी का कहना है कि कांवड़ में 400 सीसीटीवी कैमरास के जरिए, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना अगर घटती है तो तुरंत उससे निपटा जा सके। लगातार देख रहे हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जगह जगह मोबाइल पार्टियां तैनात की गई है, उन्हें वाहन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो लगातार गतिशील रह के जहाँ पर भी किसी तरह का कोई ब्लॉकेज बन रहा है या कंजेशन की स्थिति है ट्रैफिक में, उसको क्लियर कराएं ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और शिव भक्त भोले अपने कांवड़ यात्रा को सरल, सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कर सके। लगातार लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इस पूरी कांवड़ यात्रा को पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके और ये पूरी यात्रा सभी के लिए सुगम, सुरक्षित और सकुशल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है कांवड़ यात्रा को लेकर। पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी वहाँ ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं, ड्रोन से भी पहरा सीसीटीवी कैमरा के जरिए नजर रखी जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है ताकि कांवड़ियों को अपनी इस यात्रा के दौरान कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और डाक कांवड़ कांवड़ की यात्रा के अंतिम चरण के दौरान काफ़ी अहम मानी जाती है क्योंकि डाक कांवड़ लगातार चलनी होती है, वो कहीं रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे में वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और जाम की वजह से डाक कांवड़ को रुकना ना पड़े, इसको लेकर खास तौर पर वहाँ पर एक वैकल्पिक मार्ग का भी इंतजाम किया गया है। तो सड़क से लेकर आसमान तक कांवड़ यात्रा पर नजर बनी हुई है।
कहीं पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर करवाई जा रही है, कहीं कांवड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करवाई जा रही है ताकि डाक कांवड़ को जाम की वजह से कहीं रुकना ना पड़े। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कांवड़े होती हैं उनको भी दूसरे मार्ग से आगे ले जाया जा रहा है, आगे उनको रवाना कर दिया गया है ताकि वो उस मार्ग के जरिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके और जाम की वजह से उन्हें दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लगातार देख रहे हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर हैं, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जगह जगह मोबाइल पार्टियां तैनात की गई हैं, उन्हें वाहन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो लगातार गतिशील रह के जहां पर भी किसी तरह का कोई ब्लॉकेज बन रहा है या कंजेशन की स्थिति है ट्रैफिक में उसको क्लियर कराएं ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और शिव भक्त भोले अपने कांवड़ यात्रा को सरल, सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कर सके। लगातार लगभग 400 CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम। वहीं जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिलाधिकारी सोनिका शहर का जायजा लेने के लिए वहां पर आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। जीवनी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसकी जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारी बारिश और संभावित आपदाओं के चलते अलर्ट पर रहे, जलभराव की स्थिति आदि में त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य होने चाहिए। देखिए केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बाद, इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी यात्रा के बारे में। अरे भैया 228 किलो सोना कहाँ गया ये हम नहीं पूछ रहे, ये पूज्य शंकराचार्य पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है। 228 किलो सोना चढ़ा करके पूरे केदारधाम को स्वर्णमयी बनाया गया था, ऐसा दावा स्वयं केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की जो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखला गई है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया। उन्होंने कहा सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने से पर्यटन मंत्री का यह बयान ये साबित करता है कि इस प्रकरण में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा चल रही है उसे जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है इसकी वजह से बीजेपी डर गई है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की जो ये यात्रा शुरू की है हरिद्वार से ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा इनको प्राश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हो बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की भगवान केदार की याद आई है और केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी आप भी जानते किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी कृपा से वहाँ हुआ है आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे चार धामों में किसी एक धाम पे ज़्यादा
हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसे लेकर परिवहन विभाग भी अब सख्त होता हुआ नजर रहा है। अधिकारी शैलेश तिवारी की माने तो उनका कहना है, जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करेंगे या फिर चारधाम यात्रा पर जाएंगे, सभी में डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि पहले भी ये नियम था कि सभी वाहनों के अंदर डस्टबिन चाहिए, लेकिन इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद इस तरफ सख्ती बढ़ती जा रही है। इस दिशा में काम करने की बात कही जा रही है, ताकि सड़कों पर कम से कम गंदगी फैलाई जा सके। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही, मैं कहूँगा, ज़रूरी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था, अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें विशेष जोर दिया है और निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि जो यात्री वाहन हैं, खासकर जो चार धाम यात्रा पे वाहन जा रहे हैं, उसमें डस्टबिन लगा हो या गार्बेज बैग। अगर डस्टबिन लगाने की जगह नहीं है तो देखा होगा कि ढेर सारे अलग अलग किस्म के गार्बेज बैग आते हैं, इसको पीछे आप लगा देंगे तो उसमें एक पॉकेट होता है, उसमें लगा देंगे। अब खबर हरिद्वार से, जहां जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। इस कलश यात्रा में महिला बंदी भी शामिल हुई। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यास पीठ का पूजन किया, कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान श्री अखंड अध्यक्ष पंडित अधीर वहां पर मौजूद नजर आए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बंदी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। जेल अधीक्षक मनोज आर्य के मुताबिक जेल में शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैदियों के जीवन में बदलाव आएगा। सावन का महीना चल रहा है और ये महादेव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है। और हमारे जितने भी मंदिरगण हैं, इस कथा का जो है वो सब जो है आनंद ले रहे। देखिए, आध्यात्मिक वातावरण जो निर्मित होता है, उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ के बंदियों में, यहाँ के जनजीवन में पड़ता है। इस कारागार सांप्रदायिक सद्भाव का के वातावरण में सब रहते हैं और जितने भी आयोजन होते हैं इसमें सभी धर्मों के लोग प्रतिभाग करते हैं। सावन का महीना चल